तो हमने सारे रूम खाली कर दिए हैं और हम लोग शिफ्ट हो गए हमारे रूम में। शादी हो गई है खत्म और अब हम लोग जाने की तैयारी में नहीं, लंच करके जाएंगे, छांगला खा के जाएंगे मसूरी से। हाँ ठीक है, छांगला कांगला उल्टा ही सुनोगे आप। तो यहाँ पे लिमका सर्व हो रहा है, लिमका पी रहे हैं सब लोग बैठ के। तो हम लोगों ने चेकआउट कर दिया है, हम लोग यहाँ पे अब जाने वाले, थोड़ी देर में निकलेंगे देहरादून के लिए। फिर देहरादून घुमाती हूँ आज आप लोगों को ना, दिगलिंग वाला जो जो भी है। तो लंच करेंगे, लंच करके निकल रहे फिर हम लोग ना। चलो अंजू ने मेरे को कल से बहुत परेशान कर रही है। जो भी मेरे व्यूअर देख लो, जिसको भी ये चेहरा कहीं पे भी नजर आए, प्लीज पकड़ के थोड़ी पिटाई कर देना। कल से इस लड़की ने मुझे परेशान किया हुआ है, परेशान। मेरे में आई हूँ देखो, जबरदस्ती फूल लगा रही, मेरे पास पैसे जबरदस्ती खुलवा रहे हैं लड़के ने। तो हम लोग निकल पड़े हैं, तो मस्ती वस्ती कर रहे, थोड़ा सा लंच भी कर चुके हैं और टाइम अभी हो रहा है 12:30 बज रहे। तो निकले 12:30 बजे यहाँ से, इसके बाद जाएंगे देहरादून और वहाँ पे थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, शॉपिंग वॉपिंग करेंगे। सब निकल गए हैं बाहर हम लोग ना, यहाँ पे अच्छी धूप, आज मसूरी का मौसम जो बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे हम लोग ठहरे थे, यहीं पे शादी थी इस वाले होटल में। तो होटल का नाम पर लिखा हुआ है मसूरी क्लब है, हाँ। तो यहाँ पे थी शादी, तो चले निकलेंगे अब यहाँ से बाहर को। ये हमारा देखो यहाँ पे पॉक 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 बेबी। तो फ्रेंड्स ये देखिए मसूरी का मॉल रोड, जो कि पिछले 2-3 दिनों से दिखाई रही है आपको। तो यहाँ से ये मॉल रोड है, तो अभी हम लोग उधर को जाएंगे आगे को। तो बाय बाय मसूरी, तो वापिस चले हम, अभी जाएंगे देहरादून, देहरादून से फिर निकलेंगे। रात को हमारी ट्रेन है नैनीताल के लिए, हल्द्वानी के लिए। तो रात को हल्द्वानी निकलेंगे हम लोग देहरादून से। तो कल को फिर से नैनीताल की वीडियोज आएंगी। तो ये है मॉल रोड मसूरी का। तो फ्रेंड्स हम लोग हैं यहाँ पे टैक्सी स्टैंड में। यार मसूरी में ना जो टैक्सीज इतनी महंगी है हमारे नैनीताल के अकॉर्डिंग, नैनीताल में टैक्सी के रेट्स बिल्कुल रीजनेबल है, वरना हम लोग वहाँ पे कुड़कुड़ कर रहे थे, वहाँ के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगी है टैक्सी। तो हमको यहाँ पे टैक्सी भी नहीं मिल रही है। अब हम जाएंगे बस से, तो हम लोग कर रहे हैं बस का वेट, क्योंकि टैक्सी तो 1500 रुपये मांग रहा है यहाँ से हल्द्वानी क्या देहरादून तक का, और हमको चाहिए 3 टैक्सी। अब हम लोग सब जाने वाले हैं बस में, बस से जाने वाले हैं सभी लोग। यहाँ पे पता क्या रहता है कि जो गाड़ी लो, बस लो या टैक्सी लो, तो सबके लिए आपको पहले टिकट लेनी पड़ती है। यहाँ पे गाड़ी बस को गए थे तो इतनी सारी भीड़ थी, तो हमने टिकट नहीं ली। और यहाँ पे टैक्सीज का भी यही चल रहा है कि आप लोगों को पहले यहाँ पे काउंटर पे बात करनी पड़ती है, उसके बाद हमको टैक्सी मिलती है। हम डायरेक्ट टैक्सी वालों से टैक्सी नहीं ले सकते, तो यहाँ पे चल रहा है मसूरी में ये सब कुछ। चले लेके चलते हैं टैक्सी में, बस में नहीं जा रहे अब हम लोग। तो हम लोग राजपुर आए हैं किसी से मिलने, तो जा रहे हैं किसी को मिलने के लिए। तो इसमें आए हम लोग डुगडुगी में बैठ के आए हम लोग डुगडुगी में। तो जाना है शीजा के अंदर हमको, यहाँ शीजा है सामने से, मिलाना है लेफ्ट मिलाओ राइट मिलाओ जो मिलाओ। तो यहाँ पे जाना है हमको, इसमें लिखा है टिबेटन वुमेन्स सेंटर हैंडीक्राफ्ट शोरूम। अच्छा, तो मुझे पता नहीं कोई शीजा है अंदर, शीजा माने होता है गाँव, तो ये कोई गाँव है अंदर, टिबेटन विलेज है कोई। तो चलिए इसमें चलते हैं, टिबेटन बस्ती है कुछ अंदर में ना, पुरु वाला का शीजा। तो शीजा का नाम पता, क्या शीजा का नाम क्या है, शीजा का नाम क्या है, पुरु वाला ही है बस, पुरु वाला। अच्छा पुरु वाला नहीं है, राजपुर शीजा, तो मैंने सही बोला था, इन्होंने मुझे पुरु वाला बोला, मैंने गलत बोला, मैंने फिर से सही बोला, ये पुरु वाला नहीं राजपुर शीजा है, राजपुर शीजा। तो हम लोग निकल रहे हैं पैसिफिक मॉल की तरफ, यहाँ शीजा से हम लोग आ गए बाहर उनसे मिलके, जिनसे मिलना था। तो अब हम लोग जाएंगे पैसिफिक मॉल, वहाँ पे 5 घंटे का कुछ शॉपिंग करना है। तो ये लोग पता नहीं कोई थाट चौक लेने जा रहे हैं वहाँ पे दिगलिंग, तो दिगलिंग से सामान मंगा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं लोग, हमको तो नहीं मंगवाना है। तो अब चलो पैसिफिक मॉल में मिलते, देखते क्या क्या मिलेगा हमारे को। अभी हम लोग राजपुर में, अभी राजपुर शीजा से बाहर निकल के आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं यहाँ पे राजपुर रोड में, जो पैसिफिक मॉल है ना, तो पैसिफिक मॉल में आए हुए हैं अभी। तो मैंने पहले भी, मेरे एक दोस्त 1-1.5 साल पहले वाला जो ब्लॉग था जिसमें मैं और दागर आए थे ना, तो उसमें मैंने इस मॉल को शूट किया था। तो आज फिर से शूट करने वाली हूँ मैं इस मॉल को। उसमें हम लोग आए थे क्रिसमस के आसपास की बात है, जब हम आए थे मैं और दागर। तो आज हम सभी लोग हैं,
तो चलिए देखते क्या क्या शॉपिंग हम लोग सब करने वाले हैं आज। ये पहुंच गए हम लोग मॉल के अंदर, और यहाँ पे बताइए शूट वूट करना थोड़ा मना ही करते हैं लोग, तभी तो मैं बाहर ही शूट करने मना नहीं करेंगे, जैसे हम अंदर जाएंगे तब शूट करने से मना कर देंगे ये लोग। ये सुंदरियाँ 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 बंदरियाँ तो पौधे बड़े खूबसूरत खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर सुंदर प्लांट्स है। और ये देखो यहाँ पे बड़े बड़े से पेड़ हुए हैं। चलो अंदर जाके मिलते हैं यार, बहुत लंबा जाता वरना वीडियो मेरा। तो चलो यहाँ पे ना सामने देखो H&M भी है, यहाँ पे भी अच्छा सामान मिल जाता। तो इसमें तो क्या कि सेल नहीं होती ना, तो मज़ा नहीं आता मुझे, सेल में ही मज़ा आता सामान लेने में। तो यहाँ पे स्कूल का कोई ग्रुप आ रखा बच्चों का छोटे छोटे से, तो चलिए अंदर मैं बंद ही कर लेती हूँ। यार मेरे को मना ही करेंगी कि वीडियो मत बनाइए मैडम, इससे पहले कि मुझे सुनना पड़े मैं वीडियो बंद कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए बच्चों की छोटे छोटे से शूज़, प्यारे प्यारे से छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूटी क्यूटी कुटी कुटी शूज। है तो बड़ी मुश्किल से एक इबादत से पसंद आया मुझे कुर्ता, मैंने वो लिया है, बाकी हमको कुछ भी पसंद नहीं आया। तो चल देखते तेंजी लोग पता नहीं कहाँ पे, वो लोग भी कुछ ले रहे थे। साड़ियाँ बहुत सुंदर सुंदर सी है। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छे अच्छे से ऐसे सेट्स है, ये पेंट और कोट का सेट देखिए इस तरह का, और ये टॉप्स हैं, टॉप मतलब सेट्स, कॉट सेट काइंड ऑफ भी है ये, जो ये लगे हुए हैं इस टाइप के, कॉट सेट तो नहीं है बट लग रहे हैं उस टाइप के। तो यहाँ पे चलिए देखते शायद कुछ पसंद आ जाए। तो मेरे को अभी खाली कुर्ता ही लिया मैंने। तो यहाँ पे है बहुत सारे परफ्यूम्स, खुशबूदार, इतनी खुशबू आ रही है यहाँ पे, खुशबुओं के बीच में हम लोग तेरे परफ्यूम देख रहे हैं ना। तो ये ब्यूटीफुल गर्ल्स सुंदरियाँ सब H&M में घुसते हुए, और मैं भी जाती देखती हूँ। मैंने कुछ नहीं मिला मुझे वहाँ पे, सिर्फ एक कुर्ता मिला बस, वो लिया मैंने, मेरे से लेना भी नहीं था कुछ भी, वो तो मैं बस ऐसे ही आ गई हूँ इनके संग में, शॉपिंग मुझे करनी भी नहीं थी, इतनी शॉपिंग कर चुकी हूँ ऑलरेडी। चलिए देखते कुछ मिल जाए तो फिर देख लेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग देखिए शॉपिंग करके आ गए, शॉपिंग हमने कर ली, ये रहा हमारा शॉपिंग। तो सभी ने कितना कुछ शॉपिंग करा है, थोड़ा बहुत सबने शॉपिंग करा है, जितना जितना जिसकी समझ में आया। फिर हम लोग निकल आए मॉल से बाहर, तो H&M के बाहर ही खड़े हैं अभी। तो ये रहा पीछे H&M, तो H&M के बाहर में खड़े, यहाँ पे आइसक्रीम वाला मिला है, तो हमने बोला आइसक्रीम खाएंगे। तो हम तेंजी को बोले मम्मा आइसक्रीम दे दो, मम्मा आइसक्रीम खिला दो, मम्मा आइसक्रीम दे दो, मेरे को भी दे दो। तो मैं हम लोग मैं खा रही हूँ बटर स्कॉच खा रही हूँ मैं ना। चले यार खासुम दे। तो फ्रेंड्स हम लोग ना डिनर करके निकल चुके हैं वापस रूम की तरफ, फिर वहाँ से लगेज अपना लेके, लगेज लेके हम लोग फिर वहाँ से चल देंगे क्या कहते हैं वहाँ पे रेलवे स्टेशन। तो फ्रेंड्स हम लोग ना निकल पड़े हैं रूम से, तो चलते हुए वीडियो बनाई। ऐसे ऐसे बैग है ना, जैसे ये जो आगे मामी का बैग दिख रहा है, इनसे डबल बैग मेरे हाथ में है यहाँ, तो मेरी आफत लगी हुई है इतनी मुश्किल। और अभी एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है और चल रही हूँ मैं साथ में झटके लगते हुए बैग के साथ। तो बाकी सब चले गए आगे, तो रात के टाइम पे देहरादून में हम लोग डोलते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। तो 11:30 बजे की ट्रेन है हमारी वैसे, तो अभी 9:45 हो रहे हैं अभी, तो हमने कहा टाइम से निकल जाते हैं फिर, और पास में ही है तो पैदल पैदल ही जा रहे हैं हम लोग। रेलवे स्टेशन के पास में ही था हमारा जो रूम था वो, अरे मेरा बैग गिर गया। तो हम लोग सब इकट्ठे हो चुके हैं यहाँ पे वापिस जाने के लिए, और ये अपनी ट्रेन लगी हुई है इधर, तो चलिए घुसे ट्रेन में। उतराऊं मैं नीचे, ऊपर सोना है, क्यों नीचे उतरी है? मुझे उतारेगा तो बाद में कोई, जिसकी सीट है ये तेरे सीट है, तो नहीं तेरे ही है, चलो चलो तू ऊपर चढ़ के मैंने सोचा मैं दोनों हमारा है। अच्छा नहीं नहीं एक है हमारा, टॉप वाला एक है ना। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं ट्रेन में, हमें सबसे ऊपर आके बैठ गए पहले। तो फ्रेंड्स 11:30 बजे की हमारी ट्रेन है, और अभी बज रहे हैं 11:20 हो रहे हैं अभी, तो आधा 10-15 मिनट और अभी ट्रेन के चलने में। तो चलिए जो आज का ब्लॉग है उसको यहीं पे एंड करती हूँ, कल को फिर मैं नैनीताल पहुँचने वाली हूँ। अभी हमारी जो ट्रेन है हल्द्वानी तक के लिए है, कल को मैं नैनीताल के, फिर कल से नैनीताल के जो डेली ब्लॉग्स मेरे आते हैं उस टाइप के आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलें बाय बाय, मिलेंगे फिर कल नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा गुड नाइट।